हेलो एवरीवन, आज मैं स्नैक की एक ऐसी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो सभी को बहुत ही पसंद आती है। बच्चे तो इनके दीवाने होते हैं। वैसे तो ये स्नैक जो है वो मैदे से बनाया जाता है, पर आज हम इन्हें यहाँ पर सूजी से बनाएंगे जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो चलिए आज बनाते हैं सूजी के मोमोज। इसके लिए आप मिक्सर जार में डाल दीजिए एक कटोरी सूजी। इसे यहाँ पर अच्छे से पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लें। फिर इसे किसी बड़े बर्तन में डालकर इसके साथ में ऐड करें नमक और ये तेल। एक बार इन्हें मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करें। आटे को हमें यहाँ पर गुनगुने पानी से ही गूंदना है। हमें यहाँ पर आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है, क्योंकि बाद में हम इस आटे को 10 मिनट का रेस्ट देंगे जिससे सूजी पानी को सोखेगी और आटा जो है वो हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आटे को मैंने बहुत ही सॉफ्ट गूंद लिया है। इसे ढककर 10 मिनट का रेस्ट दे दें। तब तक चलिए इसकी स्टफिंग बनाते हैं। कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें। जैसे ही तेल गरम हो जाता है इसमें डाल दीजिए कटा हुआ लहसुन और ये अदरक। इन्हें हम यहाँ पर 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर इसमें डाल दीजिए कटा हुआ प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च। अगर आप यहाँ पर और भी सब्जियाँ ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इन्हें हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये जो सारी सब्जियाँ हैं ये थोड़ी सी पक भी जाए और इनका सारा पानी जो है वो भी सूख जाए। सब्जियों के पकते ही इसमें डाल दीजिए क्रम्बल किया हुआ पनीर, काली मिर्च पाउडर, नमक और ये सोया सॉस। मिला लीजिए सभी चीज़ों को अच्छे से। मैं इसमें यहाँ पर थोड़ी सी शेजवान सॉस भी डाल रही हूँ। इससे हमारी ये जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी। लास्ट में इसमें हरा धनिया डालकर मिला लें। तो ये हमारी देखिए मोमोज के लिए स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आटे को भी बढ़िया से रेस्ट मिल चुका है और ये देखिए ये अभी भी बहुत ही सॉफ्ट है। इसे थोड़ा सा और मसल लीजिए ताकि ये एकदम से लचीला हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका आटा जो है वो ज़्यादा हार्ड हो गया है तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे और मसल लें और इस तरह से देखिए सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लें। अब इनके हम यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। फिर एक लोई को लेकर आप इसे जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेल लीजिए। इसके बीच में स्टफिंग भरकर मोमो की आप मनचाही शेप दे दें और इसी तरह से सारे डो के मोमोज बनाकर तैयार कर लीजिए। मैंने ये देखिए मोमोज बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें पकाते हैं। स्टीमर में मैंने पहले पानी गर्म होने रख दिया था जो अच्छे से गर्म हो चुका है। मोमोज को प्लेट में रखने से पहले आप प्लेट को पहले तेल से ग्रीस कर लें। इससे क्या होता है, मोमोज जो है वो प्लेट में चिपकते नहीं हैं। अब मोमोज को प्लेट में सेट कर लें। फिर इन्हें ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू फुल फ्लेम पर पका लीजिए। 20 मिनट के बाद मोमोज पके हैं या नहीं ये चेक करने के लिए देखें कि अगर मोमोज की जो स्किन है वो ट्रांसपेरेंसी हो गई है और अंदर की ये जो स्टफिंग है ये अगर दिख रही है, मतलब हमारे जो मोमोज हैं ये बढ़िया से पक चुके हैं। इन्हें आप निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। मैंने इन्हें यहाँ पर शेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी ये मोमोज बनकर तैयार हुए हैं और इन्हें हमने देखिए यहाँ पर सूजी से बनाया है जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बने हैं। आप इन्हें देखिए किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये सूजी से बने मोमोज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप द फ्लेम ऑन।